हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक ये नाम हर किसी की जुबा पे छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छे टू व्हीलर्स बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की हीरो की पीठ में छुरा खोपा, ये सब आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ, आज की वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी शुरुआत ब्रिज मोहन लाल मुंजाल ने 1956 में की थी और 1975 आते आते ये कंपनी भारत की सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा बिकने वाली साइकिल बनाने लगी और एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी थी। इसके बाद इन्होंने अपनी साइकिल्स को बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था और इंडिया से बाहर भी इनकी साइकिल बहुत अच्छे से बिक रही थी और इस तरह से 1986 तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश की साइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। और फिर इसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल का जो बिजनेस है वो काफी तेजी से एक्सपांड कर रहा है, बट इंडिया में लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड ये दो ही ऑप्शंस है। इसीलिए उन्होंने ये गैप को फील करने के लिए इंडिया में मोटरसाइकिल को लाना चाहते थे। बट उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, उनको इंजन के बारे में कुछ नॉलेज था ही नहीं, इस वजह से उनके लिए मोटरसाइकिल बनाना पॉसिबल ही नहीं था। बट उन्होंने अपना ये प्लान एक्शन में लाने के लिए एक विदेशी कंपनी को चुना और उसके साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोच लिया। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन नहीं था, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी जरूर देती थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाइप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। इसीलिए ब्रिजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापान की कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा और क्योंकि उस टाइम पे कोई भी फॉरेनर कंपनी इंडिया में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंट्री करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल चुका था जिसे होंडा कंपनी खुद भी गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए इन दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर लिया। हीरो और होंडा के बीच में उस टाइम पे एक एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजिन्स सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी। उस एनओसी में लिखा गया था कि फ्यूचर में ये दोनों में से कोई भी कंपनी एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के मुकाबले में कोई भी कंपनी खड़ी नहीं करेगी। और फिर क्या था, दोनों कंपनी ये सब डिसीजन से एकदम सेटिस्फाइड थी। इसके बाद ये डील एकदम फाइनल हो गई और यहीं से शुरुआत होती है हीरो होंडा की। अब डॉक्यूमेंट्स की सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट स्टार्ट हुआ धारूहेरा में, जो कि आता है हरियाणा के अंदर, जहां पर हीरो होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की, तब ये बाइक बहुत ही तेजी से पॉपुलर होने लगी, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडियन मार्केट में ये बाइक का कंसेप्ट एकदम नया था एंड सेकंड थिंग इस बाइक का माइलेज बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा उन लोगों ने अपनी बाइक को एक ऐसे सेगमेंट में लॉन्च किया था जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हो सके। साथ ही साथ इन्होंने अपना मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही अलग तरीके से स्टार्ट किया था, जहाँ पर इनकी टैगलाइन थी फील इट शट इट एंड फॉरगेट इट। इसका मतलब था कि इसमें एक बार पेट्रोल फील करके भूल जाइए और इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी अच्छा असर हो रहा था और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे क्योंकि उन्हें ये स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। बट उसी दौरान जापानी करेंसी में एकदम उछाल आ गया जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो अब काफी ज्यादा महंगे होने लगे थे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें होने लगी थी। और एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे हीरो होंडा के कॉम्पिटिटर्स काफी सारे आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, यामाहा, बजाज और TVS। बट ये सारे ब्रांड्स सिर्फ और सिर्फ बड़े सिटीज यानी कि मेट्रो सिटीज में ही दिखते थे और ये सभी कंपनीज उन्हीं कस्टमर्स पर फोकस करती थी जो उसे अफोर्ड कर सके। बट अगर हीरो होंडा की बात की जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के लोअर और मिडिल क्लास ये लोग ही थे जो कि एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे और यही वजह थी
के हीरो होंडा की बाइक सिर्फ सिटीज में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव में भी ज्यादा देखने को मिलती थी और पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल होने वाली बाइक्स सिर्फ और सिर्फ हीरो होंडा की ही थी और यही सब रीजन की वजह से कंपनी अपनी बाइक का प्राइस बढ़ाना नहीं चाहती थी और इसी वजह से कंपनी को काफी लंबे टाइम तक लॉस का सामना करना पड़ा। बट इन द ईयर ऑफ 1990 जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेटर हुआ तो फिर सिचुएशन थोड़ी अच्छी होने लगी और देखते ही देखते थोड़े ही टाइम में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगी और आगे के कुछ ही इयर्स में यानी कि कुछ ही साल में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को क्रॉस कर गया जो उस जमाने में बहुत ही बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक ये सब चीजें ऊपर ऊपर से काफी अच्छी दिखाई देती है बट इंटरनल में सिचुएशन काफी बिगड़ने लगी थी। एक्चुअली कंपनी के मैनेजमेंट में शुरुआत से ही काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे तो हीरो साइकिल के दौर पर एक नंबर पे था, साइकिल के मामले में तो ये उस टाइम पे दुनिया की सबसे नंबर वन कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम शामिल है। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक्स फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा के बाइक्स को सिर्फ और सिर्फ नेपाल भूटान बांग्लादेश जैसी एशियन कंट्रीज में ही सेल किया जाता था। इसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो नहीं पा सकती थी और एक तरफ तो होंडा काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा था बट दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड प्रॉफिट के अंदर सीमित होकर रह गया था जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते बहुत ही खराब होने लगे थे। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजिन्स बनाते थे। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग इंजिन के लिए पूरी तरह से होंडा कंपनी के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। हालांकि हीरो कंपनी को अब ये समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद ही इंजिन्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, इसीलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजिन्स बनाने में खर्च करने लगा जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार आ गई और धीरे धीरे ये दरार और बड़ी हो गई और जैसा कि उन्होंने एनओसी लेटर साइन किया था और उसमें लिखा गया था कि ये लोग एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स को लॉन्च नहीं करेंगे लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर ईयर 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक्स को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया जो सेगमेंट में पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड होने लगे और उसके कुछ ही साल बाद होंडा ने एक्टिवा जैसे स्कूटर को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंट्री कर ली थी। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां की में थी क्योंकि उसकी हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी साथ ही अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था और ये सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में दोनों ही कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनीज के 26% शेयर थे जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर होंडा कंपनी को बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन मुंजाल ने $1.2 बिलियन में खरीद कर अपना खुद का बिजनेस हीरो मोटोकॉर्प स्टार्ट किया। और जब ये दोनों कंपनीज अलग हुई थी तब ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा बट अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनीज में इनका नाम लिया जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, डाउनलोड फाइल प्रो नाउ।